दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के बारे में। अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक आइजक न्यूटन भी थे। आइजक न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण खोजने का आविष्कारक भी माना जाता है। न्यूटन जब मात्र 23 साल के ही थे, तब से ही उन्होंने खोज करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि आइजक न्यूटन ने 23 साल की उम्र में गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, तो आइए जानते हैं न्यूटन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। फैक्ट नंबर 1, न्यूटन का जन्म उसी साल हुआ था जिस साल गैलीलियो का निधन हुआ था। इनका जन्म 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु 31 मार्च 1727 में इंग्लैंड में ही हो गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइजक न्यूटन उन सारे लोगों में से एक थे जो अपने बाएं हाथ से लिखते थे, यानी कि आइजक न्यूटन लेफ्टी थे। फैक्ट नंबर 2, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइजक न्यूटन के पिता का नाम भी आइजक न्यूटन था। न्यूटन का पूरा नाम आइजक न्यूटन था। सेब न्यूटन के आगे गिरा था, न कि न्यूटन के पीछे, और न ही सिर पर गिरा था। न्यूटन के पिताजी की डेथ तभी हो गई थी जब आइजक न्यूटन मात्र 3 महीने के थे। फैक्ट नंबर 3, न्यूटन जब पैदा हुए थे तो वह आम बच्चों से थोड़ा हटकर काफ़ी छोटे थे, जिसके चलते डॉक्टरों ने उनके बच पाने की उम्मीद बहुत ही कम बताई थी। न्यूटन ने अपने जीवन के दिनों में अपनी माँ और सौतेले पिता तक को जिंदा जला देने की धमकी दी थी। फैक्ट नंबर 4, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज मात्र 23 साल की उम्र में की थी। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 3 लॉज ऑफ मोशन और कैलकुलस को तब बनाया था जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। उस दौरान कैम्ब्रिज में प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी। फैक्ट नंबर 5, न्यूटन का दिमाग कितना तेज था इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार उतनी ही देर में की जितनी देर से सीखने में किसी छात्र को लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोल नहीं बल्कि अंडे के रूप में घूमती है? ये बात न्यूटन ने ही बताई थी। फैक्ट नंबर 6, आइजक न्यूटन ने कभी शादी नहीं की थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी मौत कुंवारे में ही हुई थी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, न्यूटन के मैथमेटिक्स सिद्धांत में एक छोटी सी कैलकुलेशन गलत थी, लेकिन 300 सालों तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फैक्ट नंबर 7, उसी पेड़ की लकड़ी का टुकड़ा न्यूटन के फोटो के साथ स्पेस में भी भेजा गया है ताकि न्यूटन ने जो साइंस हमें और दुनिया को दिया है उसके लिए उन्हें आभार व्यक्त किया जा सके और उस एप्पल को जीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जा सके। यदि आज न्यूटन जिंदा रहते तो खुशी के मारे मर जाते। फैक्ट नंबर 8, एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला लोगो था उसमें न्यूटन की तस्वीर छपी हुई थी। इस पिक्चर में वही दिखाया गया था जिसमें न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे और सेब उनके सर पर आकर गिर जाता है और उन्हें तब ग्रेविटी का आइडिया आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।